सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को ना मूडी ब्राउन टोन की फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूं। तो गाइस आप ये जो फोटो देख रहे हैं ना, इसे इतना सिंपल तरीके से एडिट किया गया है, बस सकते आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी ऐसा एडिटिंग कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल फोटो को ले लेना होगा, और लेने के बाद यहाँ से सिंपल से शेयर के आइकन पे आपको क्लिक करके और इसे अपनी लाइटरूम में शेयर कर लेना होगा इस फोटो को गाइस। और केवल हम लोग लाइटरूम में इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। तो गाइस ऐसे हम लोगों ने कर दिया शेयर, और आप अपनी फ़ोन को ऊपर से ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली गाइस इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे ये सीधे लाइटरूम में लेकर चला आएगा। तो ऑल फोटोज के ऑप्शंस पे क्लिक करके सिंपल से गाइस इस वाली फ़ोटो को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। और गाइस ओपन कर लेने के बाद ना, सबसे पहले इस फोटो की लाइट को हम लोग सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए ऐसे नीचे आएंगे और लाइट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। और गाइस क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, और इंक्रीज कर लेने के बाद यहाँ से इसकी हाईलाइट को हम लोग डिक्रीज करेंगे, यानी कि -55 रख देंगे हाईलाइट की वैल्यू। और इसकी शैडो की वैल्यू गाइज ना हम लोग ऐसे +42 रख देंगे, और इसकी ब्लैक्स को गाइज ना ऐसे हम लोग डिक्रीज करेंगे लगभग हम लोग -20, और वाइट्स को इंक्रीज करेंगे, और इसकी वैल्यू हम लोग गाइज ना 35 रखेंगे प्लस में वाइट्स की। और इतना सारा लाइट को एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपल से गाइज यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। और अब बारी आती है गाइज ना इसकी जो है ना कलर को एडजस्ट करके हम लोगों को ना मूडी ब्राउन टोन की फोटो एडिट करना। तो उसको गाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस कलर्स के आइकन पे आके और इसकी टेम्प की वैल्यू गाइज हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग ना +24 रख देंगे, और इसकी टिंट की भी वैल्यू को गाइज हम लोग इंक्रीज करेंगे, और इसकी भी वैल्यू को हम लोग ना +15 रखेंगे, और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू गाइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम लोग, लगभग हम लोग 10 रख देंगे प्लस। और इसके बाद गाइज सिंपल से देख सकते हैं ऊपर साइड में ना मिक्स टूल के ऑप्शंस पे आपको आ जाना होगा, और आने के बाद गाइज इसी कलर को हम लोग यूज करके मूडी टाइप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले कलर को हम लोग लेंगे ना ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन को हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे, और ह्यू को भी हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे। और गाइज अगेन क्या करेंगे, यहाँ से आप लोगों को येलो कलर को लेके येलो कलर की सैचुएशन को हम लोग पूरा डिक्रीज करेंगे, और इसकी ह्यू को भी हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे। और गाइज इसके बाद आता है फेस वाला कलर, तो फेस वाले कलर को लेके सैचुएशन को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। और अगेन गाइज यहाँ से ना हम लोग ब्लू कलर को लेके इसकी सैचुएशन को बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे। और सिंपल से गाइज ये नॉर्मली सेटिंग कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में डन वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद ना ग्रेडिंग वाले ऑप्शंस पे आपको गाइज क्लिक करके, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे गाइज। पहला जो मिलेगा शैडो, और ऐसे स्क्रॉल करेंगे गाइज ना इस साइड तो यहाँ पे एक मिड टोन मिलेगा और हाईलाइट मिलेगा। तो सिंपल से गाइज आपको शैडो वाले में आ जाने के बाद ना सिंपल से क्या करना होगा, ऐसे पकड़ के इसे कुछ इस टाइप से लेकर आना होगा इस वाले एंगल पे। सो गाइज इसे कुछ इस वाले एंगल पे लेकर आना होगा, और आने के बाद सिंपल से गाइज क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ना हाईलाइट में आ जाएंगे, और हाईलाइट में आ जाने के बाद ना सिंपल से क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ब्लू साइड में रखेंगे इसकी हाईलाइट को। और देख सकते हैं इसकी ह्यू को हम लोगों ने 198 रखा है, और सैचुएशन को 35, और इसकी शैडो वाले में गाइज ना हम लोग देख सकते हैं इसकी ह्यू को हम लोग 23 रखे हैं, और सैचुएशन को 52 रखे हैं। तो गाइज यही था सेटिंग। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर साइड में सिंपल से डन वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, और डन वाले आइकन पर क्लिक करते ही गाइज कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो गाइज नीचे आके ना इफेक्ट वाले ऑप्शंस पे आपको आना होगा, और यहाँ से इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज करके डीहाइज को भी इंक्रीज कर लेंगे, और इसकी विगनेट को ऐसे हम लोग डिक्रीज कर देंगे गाइज। और नीचे आके ना इसकी मिड पॉइंट को ऐसे हम लोग डिक्रीज करेंगे, और ऊपर साइड में ना कुछ इस टाइप की फोटो आपकी गाइज देखने को पूरा मिल जाएगा। तो अब बारी आती है डिटेल्स के ऑप्शंस पे गाइज जाएंगे, यहाँ से इसकी शार्पनिंग को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ से ना इसकी नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू हम लोग 26 रख लेंगे, और नीचे आके इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज कर लेंगे, और इसकी भी वैल्यू को हम लोग सेम रखेंगे गाइज 26।
और देन गाइज इसके बाद इसकी स्मूथनेस को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर देंगे। और गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरी सेटिंग्स करेंगे ना, तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो आई होप गाइज देखा आप लोगों ने कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने ना मोडी ब्राउन टोन की फोटो एडिट कर ली है कुछ 4-5 स्टेप में। तो गाइज इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर की आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस क्लिक कर देंगे और हम लोग की ये फोटो गाइज गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।